मोदी की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हर समस्या का समाधान करना जानती हैं। सऊदी अरब में कई भारतीय फंसे हुए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है। साथ ही वहां फंसे भारतीय मूल के लोगों ने परेशान होकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई थी। अब सुषमा उन लोगों को वापस लाने वाली है। सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में नौकरी गंवा चुके भारतीय कामगारों से अपील की कि भुगतान नहीं किए गए बकाए का दावा अपने नियोक्ताओं के यहाँ दायर करें और जल्दी घर वापस आएं, और कहा कि सरकार उनके वापस आने का खर्चा वहन करेगी। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा कि सऊदी अरब में भारतीय कामगार कृपया अपने दावे दाखिल करें और घर लौट आएं, हम आपको निशुल्क लेकर आएंगे। सुषमा ने कहा कि जनरल वी के सिंह सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की समस्या को सुलझाने के लिए लगे हुए हैं। जो लोग कंपनियां बंद होने के कारण निकाल दिए गए हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि वो अपने अपने क्लेम दर्ज कराकर भारत लौट आएं। उन्होंने कहा कि जब सऊदी सरकार बंद हो चुकी कंपनियों के साथ निपटारा करेगी तो आपका बकाया भी अदा किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां फंसे लोगों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसे देखते हुए सुषमा ने वहां रहने वाले भारतीयों से लोगों की मदद करने के लिए कहा था, जिससे वहां फंसे लोगों की मुश्किलें थोड़ा कम हो सकें।